अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए एक फ्राइड राइस की रेसिपी लेके आई हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ऐड किया है। ऑयल मैंने दो अंडे भी लिए हैं। दो अंडों को मैंने अच्छी तरह से फेंट रही हूँ। अच्छी तरह से जर्दी और अंडे अच्छी तरह से मिक्स होने तक इसे फेंट लो। उसके बाद ऑयल थोड़ा गर्म हो जाने के बाद जो मैंने अंडा फेंट के रखा था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। चम्मच की मदद से इसे थोड़ा थोड़ा इसे इस तरह से मिक्स कर लो ताकि अंडा अच्छी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाए। देखो अंडा कितनी अच्छी तरह से, ये अंडों को अच्छी तरह से सादा भुर्जी की जैसा बना लो। इसे बारीक से मत टुकड़े मत करो, इसे मीडियम ही टुकड़े कर दो अंडों का। और इसमें थोड़ा टेस्ट के हिसाब से थोड़ा नमक ऐड कर लो। नमक ऐड करने के बाद देखो अच्छी तरह से ये पक चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। उसके बाद और थोड़ा मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड किया है और मैंने गाजर को मैंने मीडियम इसमें काट लिया है। मीडियम पीसेस मैंने गाजर को काट लिया है और मैंने बीन्स को भी छोटे छोटे पीसेस में मैंने बीन्स को भी काट लिया है। काट के मैंने दोनों को इसे अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। इसे बहुत ज़्यादा भी मत पकाओ ऑयल में, थोड़ा मीडियम फ्राई होने तक इसे थोड़ा मिक्स करते रहो। और मैंने टेस्ट के लिए मैंने 4 हरी मिर्च को भी मैंने सेंटर में काट लिया था, काट के वो भी इसमें मिक्स कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड किया है, वो भी मैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और कैप्सिकम को भी मैंने मीडियम पीसेस करके रखा था, कैप्सिकम भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसको भी अच्छी तरह से मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और जो तरकारी अच्छी तरह से सारी सब्ज़ी थोड़ा पक जाए मैंने थोड़ा नमक ऐड किया था। और मैंने प्याज भी स्लाइसेस में काट के रखा था, वो भी मैंने 1 बड़ी प्याज मैंने इसमें काट के रखा था। सभी को अच्छी तरह से थोड़ा मीडियम पकने के बाद मैं 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। और 1 ग्रीन चिली सॉस है, वो भी मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ग्रीन चिली सॉस ऐड किया है। उसको सबको अच्छी तरह से सब्जियों को और सारे सॉसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लो। सभी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और रेड चिली सॉस भी मैंने इसमें ऐड किया है। रेड चिली सॉस मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है ताकि पहले से ही मैंने ग्रीन चिली सॉस और हरी मिर्च को थोड़ा ऐड किया था ना, इसीलिए बहुत तीखा ना हो जाए मैंने रेड चिली सॉस थोड़ा सा ही ऐड किया है। देखो सारे सब्जी सभी अच्छी तरह से पक चुके हैं। मैंने राइस को पका के रखा था, राइस को भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने गरम राइस पहले से ही बना के रखा था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, देख सकते हैं। और जो अंडे मैंने फ्राई करके टुकड़े बना के रखा था वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सारे राइस को और वेजिटेबल्स को सभी को अच्छी तरह से अंडों में सभी मिक्स कर लो। देखो ये एक फ्राइड राइस बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त, देख सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये, बहुत टेस्टी चाइनीज़ फूड हर एक लोगों को भी बहुत पसंद आता है। और मैं थोड़ा इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सब्जियों में थोड़ा सा नमक ऐड किया था और मैं इसे राइस में 1 टीस्पून जितना मैंने इसमें और थोड़ा नमक ऐड कर लिया है। सभी को अच्छी तरह से सारे सब्जियों को और राइस को सभी को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ, देख सकते हैं। एक फ्राइड राइस बन के रेडी हो चुका है। सभी को अच्छी तरह से मैंने सब्जियों को राइस को मिक्स भी कर लिया है। इसके साथ मैं और एक ज़बरदस्त एक चीज़ बनाऊंगी, वो भी सभी को बहुत पसंद है। मैंने इसे एक साइड दूसरी साइड में इसे निकाल के रख रही हूँ। और मैंने एक पतीले में पानी गर्म करने के लिए रखा था, उसमें मैंने थोड़ा नमक ऐड कर लिया है, देख सकते हैं। आलू को भी मैंने फ्रेंच फ्राई के जैसा आलू कट कर लिया है फिंगर्स के, देख सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ में आलू को भी कट करके रखा था। गरम जो गरम बॉईल होता हुआ पानी में मैंने आलू को ऐड किया है। इसे थोड़ा सा पका लो,
जितना के ये 50%, थोड़ा पका लो, देख सकते हैं थोड़ा एक बॉईल आने तक भी इसे अच्छी तरह से पका के आप इसे एक प्लेट में निकाल लो। फ्राइड राइस और फ्रेंच फ्राइज़ का तो बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, देख सकते हैं मैंने इसे एक बाउल में ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने चिली पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर लिया है। उसके बाद ये कबाब पाउडर है, कबाब पाउडर मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और कॉर्नफ्लोर में 2 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ। आलू को और सभी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लो। मसाला फ्रेंच फ्राई है ये, बहुत ही आसानी से आप इसे मिक्स करके अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो फ्रिज में आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो। ऐसा बना के जब चाहे आप इसे फ्राई करके भी खा सकते हो बना के, देख सकते हैं मैंने सारे मसाले अच्छी तरह से उसे लगा चुकी हूँ, लग चुका है। और मैंने एक पैन में इसमें ऑयल ऐड कर लिया है और जो मैंने फ्राइज को मसाला लगा के रखा था उसमें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऑयल भी अच्छी तरह से गर्म भी हो चुका है, देख सकते हैं। एक एक करके ही डालो, मिक्स करके डालेंगे तो चिपक जाएंगे। अलादा अलादा करके इसमें ऑयल में ऐड करते रहो, देख सकते हैं अच्छी तरह से ये फ्राई भी हो रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप बच्चों को ये जब चाहे तो बना के खिला सकते हैं। देखो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। देख सकते हैं कितने मस्त, कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्राइज, मसाला क्रिस्पी फ्राइज बन के रेडी हो चुके हैं। दूसरे राउंड भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से सभी को मैंने फ्राई कर लिया है। एक प्लेट में मैंने जो फ्राइड राइस बनाया था एक प्लेट में मैं सर्व कर रही हूँ। और आलू को भी मैंने आलू फ्राई को भी सर्व कर लिया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, देखिए फ्राइड राइस में आलू फ्राइस मिला के खाएंगे तो एकदम ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। मेरी रेसिपी कैसी बनी है आप मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिए। आप मेरे चैनल में न्यू हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के मज़े लीजिए। आप डिनर में भी बना सकते हो इसे, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो। देखो मेरी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है, क्रिस्पी फ्राइज भी बन के रेडी हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स।